अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लोग एम डी कैट 2015 का पास पेपर करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम इसका फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू, द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वर्टेड पॉपुलेशन इज़ नोन एज डैश एंड कंसिस्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग द लेज़र मटीरियल विद लाइट। तो ये काम हम करते हैं ऑप्टिकल पम्पिंग में। ओके, द नेक्स्ट इज़ इन पॉपुलेशन इन्वर्जन रूबी लेज़र एटम्स कैन रिसाइड इन द एक्साइटेड स्टेट, मेटा स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जो हैं वो कितनी देर तक रिसाइड कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं 10^-8 सेकेंड्स तक। ओके, द नेक्स्ट इज इफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो है ई, मूविंग विद ए वेलोसिटी वी आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड स्ट्राइक अ मेटल टारगेट, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे चार्ज है ई और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, उनको एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट कर गए हैं, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो अब हमने उनकी वेलोसिटी बतानी है कि उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो उसका फार्मूला बनेगा अंडर रूट 2 वी ई डिवाइडेड बाई एम। ओके, द नेक्स्ट इज इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बींग एक्सेलरेटेड थ्रू वेलोसिटी वी स्ट्राइक द टारगेट, देन द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड एक्सरे इज, जो वेवलेंथ होगी उस निकलने वाली एक्सरे की वो क्या होगी, वो इक्वल होगी एच सी डिवाइडेड बाई ई वी के। ओके, द नेक्स्ट इज अ सर्टन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड ऑफ मैस नंबर एक्स डिकेज बाय द बीटा एमिशन एंड एल्फा एमिशन, उसमें से बीटा और एल्फा दोनों रेज एमिट हुई हैं, टू ए सेकेंड न्यूक्लियाइड ऑफ मैस नंबर टी, पहले का मैस नंबर था एक्स और दूसरे का मैस नंबर है टी, और एक्स में से दो चीज़ें निकली हैं, एक बीटा पार्टिकल निकला है, एक अल्फा पार्टिकल निकला है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली रिलेट्स एक्स एंड टी, यानी वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अब एक्स में क्या फ़र्क आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर इसका रिलेशनशिप इनका बनेगा वो बनेगा एक्स इज इक्वल टू टी प्लस फोर, यानी एक्स जो है ना वो फोर पॉइंट्स कम हो गया है, टी जो है वो एक्स से फोर पॉइंट्स कम है, आप दोनों तरीक़ों से इसे कह सकते हो। ओके, द नेक्स्ट इज कोबाल्ट 60 इज़ यूज इन मेडिसन एंड इज़ एन इंटेंस सोर्स ऑफ, कोबाल्ट 60 क्या चीज़ एमिट करता है, ये एमिट करता है गैमा रेस को। ठीक है, ये गैमा रेस का बहुत अच्छा सोर्स है कोबाल्ट 60। द नेक्स्ट इज इन फ्लूइड फ्लो फॉर द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट वन एंड इज डबल्ड, देन वॉट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दिस एंड। अगर एक एंड पे हम वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या इफेक्ट होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस विजन फ्रॉम नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए लीस्ट विजन कितना डिस्टेंस होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी चीज़ को क्लियर देख सकते हैं, बुक को क्लियर पढ़ सकते हैं। जब चीज़ 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा करीब आ जाती है आई के, तो हम वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क एडजेसेंट फ्रिंजिस इज मैथमेटिकली रिटन एज, टू डार्क एडजेसेंट फ्रिंजिस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसका फार्मूला बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू वेवलेंथ एल डिवाइडेड बाई डी। ओके, द नेक्स्ट इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन एक्स इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर, स्लिट सेपरेशन कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट डी इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, फ्रिंजी सेपरेशन 0.13 सेंटीमीटर, देन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट, तीन उन्होंने हमें एंटिटीज़ दी हुई हैं और वेवलेंथ फाइंड आउट करने का कहा है। जब वेवलेंथ का हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 3.25 × 10⁻⁷ मीटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द आई पीस इज पोजिशनड सो डैट द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, आई पीस को हम किस तरह पोजिशन करते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पे बने, फाइनल इमेज हमारे पास जो बनती है वो बनती है नियर पॉइंट पे। ओके, द नेक्स्ट इज अ बॉडी इज हैविंग वेट 20 न्यूटन व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडेड विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ टेंशन, तब जब एलिवेटर में हम इस वेट को रखेंगे तो जो टेंशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, और एलिवेटर का आपने ये देखना है कि एलिवेटर डिसेंड कर रहा है और उसकी ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बीटा 1.98 न्यूटन। ओके, तो यानी जब नीचे आ रहा होता है तो हल्का हो जाता है, तो ये कम हो जाता है। ठीक है, 20 न्यूटन था तो अब कम हो गया। ओके, द नेक्स्ट इज सोडियम 24 हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 15 आवर्स एंड इट इज़ यूज इन मेडिसिन टू एस्टिमेट
तो उसकी जो एप्लीकेशन बनती है वो बनती है कि वो एस्टीमेट लगाने के लिए यूज़ होता है, वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है किस चीज़ को, प्लाज्मा ब्लड वॉल्यूम को. ओके, द नेक्स्ट इज़ द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट्स. टेम्परेचर का यूनिट बेस यूनिट्स में क्या है, तो वो बनता है केल्विन. ओके, द नेक्स्ट इज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर. इस प्रेशर की डायमेंशंस हमने डायमेंशंस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, तो प्रेशर की डायमेंशंस क्या बनती हैं, तो प्रेशर की डायमेंशंस बनती हैं ML-1 T-2. ओके, द नेक्स्ट इज मैस फ्लो पर सेकेंड ऑफ द फ्लूइड इज गिवन बाय. मैस फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला बनता है रो ए वी. ओके, द नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कोसिटी. कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या बनती हैं, तो वो बनेगी डेल्टा. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड टाइम पीरियड इज 6.28 सेकेंड एट ए प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वेयर. मतलब अर्थ पे हम इसे कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम को यूज़ कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी होगी जिसका टाइम पीरियड ये होगा. तो सिंपल टाइम पीरियड और लेंथ वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा 10 मीटर. ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर बनेगी सिंपल पेंडुलम की. द नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काइनेटिक एनर्जी रेशियो टोटल एनर्जी, इसकी ये रेशियो क्या बनती है, तो ये रेशियो बनती है अल्फा. ओके, द नेक्स्ट इज एन ऑब्जर्वर मूव्स विद वेलोसिटी वी नॉट टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स. ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, वी नॉट से, और टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स. ठीक है, स्टेशनरी सोर्स स्टेशनरी और ये उसकी तरफ जा रहा है. देन द नंबर ऑफ वेव्स रिसीव्ड इन 1 सेकेंड इज, एक सेकेंड में कितनी वेव्स रिसीव होंगी, तो वो होती हैं बीटा. एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई वी. ओके, द नेक्स्ट इज स्ट्रेन एनर्जी इन ए डिफॉर्म्ड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स में. ओके, द नेक्स्ट इज अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड ओरिजिनल लेंथ एल इज सब्जेक्टिव टू ए लोड एल. अ सेकेंड वायर ऑफ सेम मटीरियल विद एन क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2a एंड लेंथ इज 2l इज सब्जेक्टिव टू द सेम लोड एल. इफ द एक्सटेंशन इन द फर्स्ट वायर इज एक्स एंड सेकेंड वायर इज वाई, देन द रेशियो एक्स डिवाइडेड बाई वाई. मेनली ये एक्सटेंशन का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं एरिया और लेंथ के साथ, तो इसकी जो रेशियो बनेगी वो बनेगी बीटा 1:1. ठीक है, द नेक्स्ट इज टू सैम्पल ऑफ गैसेज 1 and 2 आर टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर वॉल्यूम इज V1:V2 इज इक्वल टू 2:3. वॉट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस सैंपल. नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो क्या बनेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो बनेगी 2:3 सेम. ओके, द नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ ए गैस हैविंग प्रेशर पी एंड डेंसिटी रो इज गिवन बाय. इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है √3 P/ρ. ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन द रेट ऑफ गैस चेंजेस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये होगा आइसोथर्मल प्रोसेस. द नेक्स्ट इज व्हाट इज द 273 केल्विन ऑन सेल्सियस स्केल. सिंपल कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा बीटा -0.15 डिग्री सेल्सियस. ओके, द नेक्स्ट इज इफ हीट Q1 इज अब्सॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T एंड हीट Q2 इज अब्सॉर्ब्ड एट टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देन अननोन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. सिस्टम का जो अननोन टेम्परेचर है T वो कितना निकलेगा, तो वो निकलता है 273.16 Q1/Q2. इन दो की वैल्यूज होंगी हमारे पास Q1 और Q2 की, तो हम सिंपल T निकाल सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज विच कॉम्बिनेशन ऑफ 7 identical resistors, 7 है और आइडेंटिकल है, सेम उनकी रेजिस्टेंस सेम है. ईच ऑफ 2 ohm, बता भी दिया हर एक की जो 2 ohm है गिव राइज टू द रिजल्टेंट ऑफ 10/11 ohm. अच्छा, इसको हम किस तरह इन 7 resistors को अरेंज करेंगे कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, वो 10/11 ohm निकल आए. तो इसकी जो अरेंजमेंट बनती है वो बनती है डेल्टा. 2 parallel में लगाएं और 5 series में लगाएं और उसके बाद उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो वो बनती है 10/11 ohm. ओके, द नेक्स्ट इज इफ ए रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 equal parts देन द इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज. एक रेजिस्टेंस थी हमारे पास आर, उसको हमने 3 total parts में डिवाइड कर लिया, तो अब वो क्या बन जाएगी, 1/3 R. हर एक की रेजिस्टेंस बनेगी R/3 या 1/3 R. ओके,
तो उसकी वो कहते हैं कि देन द इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद हमने उनको कट करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है, अब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं वो अप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा R/9। ओके, दी नेक्स्ट इज अ बार ऑफ लेंथ एल पिवटेड एट ओ इज एक्टेड बाय अ फोर्स एफ एट एन एंगल, एंगल दिया हुआ है विद वर्टिकल लाइन एज शोन इन फिग। ओके, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो बनेगी वो बनेगी एल एफ कोस थीटा। ओके, द नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए पीस ऑफ वायर इज 12 ओम, एक रेजिस्टेंस थी एक वायर की 12 ओम, इट इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमने उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया है। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब दो कॉर्नर्स के दरमियान का मतलब ये है कि दो, अगर 12 को हमने तीन साइड्स में, इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब तीन साइड्स में डिवाइड कर दिया, हर एक की बनेगी 4, 4 ओम 4 ओम 4 ओम। तो अब वो टू कॉर्नर्स के दरमियान का मतलब ये है कि 4 और 4 के दरमियान दो दो जो हैं, एक पहली 4 ओम की और दूसरी 4 ओम की, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सो पैरेलल का फार्मूला लगा के जब हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो जो उसका बनेगा वो बनेगा 2 ओम। ओके, द नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर इन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने का यूनिट क्या होता है हमारे पास, तो वो यूनिट होता है चार्ली। ओके, द नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय, इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है IB sin थीटा। ओके, द नेक्स्ट इज इन द केस व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स लूज ऑल देयर काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कोलिजन द एक्सरे फोटोन एमिटेड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी। तो उसकी बनती है, फ्रीक्वेंसी बनती है मैक्सिमम और वेवलेंथ बनती है मिनिमम। ओके, द नेक्स्ट इज इफ ए इज फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ एम्पेयर देन द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायमेंशन क्या बनेंगी, तो वो बनेंगी चार्ली। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द सेक्शन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड कैथोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज 20 kV एंड करंट इज 20 mA, वॉट इज द वेवलेंथ मिनिमम ऑफ द एमिटेड एक्सरेज, वेवलेंथ मिनिमम कितनी होगी। तो वेवलेंथ मिनिमम का सिंपल फार्मूला अगर पुट करें तो वेवलेंथ मिनिमम बनती है बीटा 6.19 मल्टीप्लाई बाय 10^-11 m। ओके, लेट्स एंड हेयर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।